राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में तापमान 45 से 46 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आगामी 2 से 3 दिनों में लू चलने की चेतावनी दी है। ताऊते तूफान गुजर जाने के बाद राजस्थान एक बार फिर भीषण गर्मी की चपेट में आ गया है। प्रदेश के कई इलाके सूरज की तपन से तपने लगे हैं। भीषण लू का दौर शुरू हो चुका है। आसमान से आग बरस रही है। कई इलाकों में तापमान 45 से 46 डिग्री तक पहुंचने लगा है। दिन तो दिन, रात में भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में कई इलाकों में तापमान बढ़ोतरी के आसार जताए हैं। तूफान के चलते कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई थी, जिसके चलते बीते दिनों तापमान गिर गया था, लेकिन अब फिर से ऊपर की ओर जा चुका है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में तापमान ने जोरदार छलांग लगाई। खासकर पश्चिमी राजस्थान के पाली, श्रीगंगानगर, बीकानेर और जोधपुर के फलौदी में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर जा चुका है। सर्वाधिक तापमान बीकानेर में 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 30 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में दोपहर के बाद थंडरस्टॉर्म आने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आगामी 2 से 3 दिनों में बीकानेर, जोधपुर, चूरू, नागौर, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक पहुंचने की और हीट वेव यानी लू चलने की प्रबल संभावना जताई है। राज्य के शेष सभी जिलों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार जताए। मौसम विभाग ने अजमेर, उदयपुर संभाग के जिलों में दोपहर के बाद थंडरस्टॉर्म के साथ कहीं अचानक तेज हवाएं और हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 30 मई से 1 जून के दौरान तेज हवाएं चलेंगी। इनकी गति 40 से 50 किलोमीटर रहने के साथ ही कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज, जयपुर।